Hello students, good morning. Today we will discuss about percentage ke chapters ke bare mein discuss karenge. Kuch topics iske humne first already read kiye hain aur today second types ke questions hum solve karenge. To welcome. Second types dekhiye. Second type questions. Theek hai? First humne discuss kiya tha basics percentage ka. Now we will discuss अबाउट सेकेंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन परसेंटेज. परसेंटेज के सेकेंड टाइप्स के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं. सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभी उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया. पूर्णांक ज्ञात कीजिए. उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया. क्लियर? तो क्वेश्चन में पूछा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए. पूर्णांक ज्ञात कीजिए. पूर्णांक हमें फाइंड करना है. मैक्सिमम मार्क्स वी हैव टू फाइंड हियर. द क्वेश्चन इज हियर. सनी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने हैं. सनी रिक्वायर्ड 36% ऑफ मार्क्स टू गेट सक्सेस इन एन एग्जाम. उसने 24% अंक प्राप्त किए. ही गोट 24% मार्क्स और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया. ही फेल्ड बाय 9 मार्क्स. फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स. MM हमें फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे देखिए. उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 36% मार्क्स चाहिए. तो आप लिखेंगे 36% ऑफ एक्स. एक्स का 36% इज इक्वल टू. उसने कितने अंक प्राप्त किए? 24% अंक प्राप्त किए. क्लियर? देखो 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया. तो आप क्या लिखेंगे? 24% x का 24% ऑफ x प्लस कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ? 9. फेल्ड बाय 9 मार्क्स. मीन्स ऑफ इट तो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया. क्लियर? तो आपने क्या किया? x का 36% ही रिक्वायर्ड टू गोट सक्सेस इन एन एग्जाम. उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 36% अंक चाहिए. तो x का 36% इज इक्वल टू. उसने 24% अंक प्राप्त किए. ही गोट 24% मार्क्स. 24% ऑफ एक्स और 9 अंकों से फेल हो गया. यानी 9 मार्क्स इसमें ऐड कर देते हैं यहाँ पर हम, तो ये पास हो जाएगा. क्लियर? 9 मार्क्स उसको और चाहिए, तो आपने 9 मार्क्स यहाँ पर ऐड कर दिए. क्लियर हुआ? इसके बाद देखो एक्स का 36% यानी 36 × x / 100. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने पहले से ही पढ़ा था. x का 2% है तो x इंटू 2/100. x का 3% है तो x इंटू 3/100. क्लियर? तो x का 36% है तो 36 × x / 100 किया. इज इक्वल टू 24% ऑफ x. 24 × x / 100 प्लस 9. क्लियर? नाउ 36/100. 36 × 100. एक्स एक्स को हम एक साइड करेंगे. ये आपका 24 × 100 है. इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर आपका प्लस है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा. माइनस 24 एक्स
अपॉन 100 इज इक्वल टू 9। जब हम इसको इधर लाए तो यहाँ पर कितना बचा आपका 9, क्लियर। इसके बाद 100 इज ईयर, सो एलसीएम इज 100 36x माइनस 24x इज इक्वल टू 9, क्लियर। नेक्स्ट 36 माइनस 24 करोगे, 6 माइनस 4 2 और 3 माइनस 2 1, 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 9, क्लियर। इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर यहाँ कुछ नहीं है तो वी विल टेक एज 1, एक ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इधर और ये इधर, 12x मल्टीप्लाई 1, 12x बन जा 12x, 12x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 100, देयरफोर x इज इक्वल टू 9 इंटू 100 अपॉन 12, अपॉन में आएगा 12, 4 इसको आपने कैंसिल किया, 4 टू जा 8, दो बचा आपका, 4 फाइव जा 20, 4 थ्री जा 12, 3 थ्री जा 9, तो x इज इक्वल टू 25, 3 जा 75, देयरफोर मैक्सिमम मार्क्स कितना आया हमें, जितना उसको पूर्णांक था 75, क्लियर। फिर से एक बार देखते हैं, सनी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए थे, तो अंक प्राप्त करने हैं, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक याद करो, पूर्णांक का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स। अगर एक एग्जाम हो रहा है 100 मार्क्स का, मेंस ऑफ इट पूर्णांक कितना है वहाँ पर 100 मार्क्स, तो उत्तीर्ण होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए, तो एक्स का 36% इज इक्वल टू, उसने 24% अंक प्राप्त किए, हु गॉट 24% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 9 मार्क्स, 9 अंकों से फेल हो गया, तो 24% ऑफ एक्स प्लस 9, क्लियर। यानी 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया, तो 9 अंकों से फेल हो गया मीन्स अगर हम यहाँ पर 9 मार्क्स इसके ऐड कर देते हैं तो ये पास हो जाएगा, क्योंकि 24% ऑफ एक्स यानी एक्स का मैक्सिमम मार्क्स हमने पुट किया एक्स, एक्स का 24% ही गोट उसने प्राप्त किया और 9 मार्क्स से फेल हो गया, तो 24% ऑफ एक्स प्लस 9, तो एक्स का 36% आपने फाइंड किया, एक्स इंटू 36 अपॉन 100 इज इक्वल टू 24% ऑफ एक्स, 24 इंटू एक्स बाई 100, 9 हमने ऐड किया था बिकॉज 9 अंकों से वो फेल हुआ था। इसके बाद एक्स एक्स आपने एक साइड कर लिया, 36x अपॉन 100 माइनस 24x अपॉन 100, साइन उधर जाता है तो अपोजिट साइन के साथ, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 24x अपॉन 100 इज इक्वल टू 9, क्लियर। 100 इज ईयर, सो एलसीएम इज 100। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाता है, 36 माइनस 24x इज इक्वल टू 9, 36 माइनस 24 किया आपने कितना हुआ 12x, 12x अपॉन 100, इसमें से ये माइनस किया 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 9, डिनोमिनेटर यहाँ कुछ नहीं है तो आपने डिनोमिनेटर पुट किया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 12x बन जा 12x इज इक्वल टू 9 इंटू 100, देन एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 100 अपॉन 12, 12 इधर डिनोमिनेटर में आ गया, उसके बाद हमने कैंसिल किया, एक्स इज इक्वल टू 75, क्लियर। देयरफॉर मैक्सिमम मार्क या पूर्णांक हमारा कितना आ गया 75, दैट इज अवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा, क्लियर। एनी डाउट हेयर, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इसी टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, ही गॉट 30% ऑफ मार्क्स और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, कितने अंकों से 45 अंकों से, ही वॉज फेल्ड बाई 45 मार्क्स, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, देन दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 45 अंक अधिक है, दूसरे छात्र ने
कितने प्राप्त किए? 42% अंक प्राप्त किए, 42% अंक प्राप्त किए। जो कितना है? आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। जो आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करो। एक पूर्णांक निकालना है हमें तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। ठीक है, दो चीजें हमें इसमें फाइंड करनी है, पूर्णांक निकालना है और सेकंड आपका उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निकालने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या करेंगे आप, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए हैं, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ही वाज फेल्ड बाय 45 मार्क्स। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, एक अनदर स्टूडेंट्स गॉट 42% ऑफ मार्क्स, 42% अंक प्राप्त किए, और जो कि आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है, विच इज 45 मोर देन रिक्वायर्ड मार्क्स, जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे कितने ज़्यादा हैं? 45 मार्क्स ज़्यादा है। देन पूर्णांक, एक तो मैक्सिमम मार्क्स MM फाइंड करना है और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करने हैं कि कितने चाहिए। ठीक है, तो देखो परीक्षा में छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 30% मार्क्स प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था 9 मार्क्स से अनुत्तीर्ण हुआ, तो 9 हमने ऐड किया था। क्लियर, तो सबसे पहले हमें पूर्णांक फाइंड करना है, तो पूर्णांक का मान लेते हैं कितना, लेट मैक्सिमम मार्क्स इक्वल एक्स, मान लिया आपने पूर्णांक कितना एक्स, मानव पूर्णांक इज इक्वल टू एक्स, मैक्सिमम मार्क्स आपने पुट किया है एक्स। अब कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए इन्होंने? 30% प्राप्त किए, एक्स का 30% ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का 30% प्लस कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ? 45 से। तो जितने से फेल हो रहा है उतना हम इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब ये होता है कि 30% में 45 ऐड करेंगे तो ये पास हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड कंडीशन बन जाएगी। क्लियर, इज इक्वल टू, दूसरे छात्र ने 42% मार्क्स प्राप्त किए, अनदर स्टूडेंट्स गॉट 42% ऑफ मार्क, और जो आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है। देखो यहाँ पर 45 कम थे, वो फेल हो रहा था तो हमने ऐड किया, यहाँ पर इसके 45 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मोर देन 45 रिक्वायर्ड मार्क्स, तो रिक्वायर्ड मार्क्स से 45 ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ज़्यादा हो रहा है सब्ट्रैक्ट और कम हो रहा है ऐड कर देंगे। तो आपने क्या किया, 42% ऑफ एक्स माइनस कितना, न्यूनतम अंकों से 45 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 42% ऑफ एक्स माइनस 45, 42% ऑफ एक्स माइनस 45। क्लियर, परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए थे, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ये क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ तक, वी विल डिस्कस इन लास्ट, अभी हमने पढ़ा था लास्ट में, एक परीक्षा ने एक छात्र में 30% अंक प्राप्त किए, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो जितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ वो हम ऐड कर देते हैं इसमें, x का 30% प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब क्वेश्चन के सेकंड स्टेप पर आते हैं, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, अनदर स्टूडेंट गॉट 42% ऑफ मार्क्स, और आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है, ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड मार्क्स, 45 मार्क्स मोर देन रिक्वायर्ड मार्क्स, तो आपने क्या किया, 42% ऑफ एक्स माइनस 45। क्लियर, ज़्यादा हो रहा है तो माइनस और कम हो रहा है तो प्लस, यहाँ पर 45 अंकों से फेल हो रहा था तो जितने अंकों से ही वॉज फेल्ड ऐड है, यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे आप, एक्स एक्स एक साइड, नॉर्मल नंबर एक साइड, दिस इज एक्स का 30%, एक्स का 42%,
इन दोनों को आप एक साइड कर लोगे तो इसको उधर ले जाते हैं, 42% ऑफ एक्स माइनस एक्स का 30%, यानी 30% ऑफ एक्स, और इधर कितना बचा 45, दिस इज माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस है इसको इधर ले आए आप, प्लस 45, 45 प्लस 45 कितना हो गया 90, 42% ऑफ एक्स कितना होता है नॉर्मल देखेंगे, आप डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक्स इंटू 42 अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 30 अपॉन 100, क्लियर, 42% ऑफ एक्स, एक्स इंटू 42 अपॉन 100 माइनस 30% ऑफ एक्स, एक्स इंटू 30 बाई 100, 100 इज हियर, 100 इज हियर, 100 इज एलसीएम, देयरफॉर 42x माइनस 30x क्लियर इज इक्वल टू 90, तो 90 इज इक्वल टू 42 माइनस 30 कितना आया आपका 12x अपॉन 100, डिनोमिनेटर यहाँ आपने किया 1 पुट, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12x इक्वल 90 इंटू 100, देन 100 इंटू 90 इक्वल 12x, 100 इंटू 90 क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, कैंची गुना जिसको बोलते हैं, इधर इसको किया और इधर इसको किया, तो आपका 100 इंटू 90 इज इक्वल टू 12x, देन x इज इक्वल टू, ये 12 आपका डिनोमिनेटर में आ गया, 100 इंटू 90 अपॉन 12, 4 से आपने कैंसिल किया इसको, 4 से कैंसिल किया, तो 4 टू जा 10, 2 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 0 का 0, तो x इज इक्वल टू 25, 3 जा 75 एंड 0, 750, दैट इज आवर मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स थे मैक्सिमम 750, क्लियर, फिर से देखो एक बार, परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% मार्क्स ही हैव गॉट और 45% 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ही वॉज फेल्ड बाई 45 मार्क्स, एंड अनदर स्टूडेंट, एक दूसरा छात्र है 42% अंक प्राप्त किए, ही गॉट 42% ऑफ मार्क्स, 42% अंक प्राप्त किए जो कि आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है, विच इज 45 मार्क्स मोर देन रिक्वायर्ड मार्क्स, जितने हमें अंक चाहिए उससे हमारा 45 अंक अधिक है, देन पूर्णांक और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निकालिए, पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स निकालना है और न्यूनतम अंक कितने, मान लिया आपने, माना पूर्णांक इज इक्वल टू एक्स, मैक्सिमम मार्क्स आपने पुट किया एक्स, एक्स का 30% था उसने प्राप्त किया, तो 30% ऑफ एक्स, जितने से फेल होगा जितने कम होंगे उतना ऐड करते हैं, तो आपने 45 मार्क्स से वो अनुत्तीर्ण हो गया, ही वॉज फेल्ड बाई 45 मार्क्स, तो 45 को यहाँ पर आपने ऐड किया, एक्स का 30% प्लस 45 इज इक्वल टू, एन अनदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट ने, यहाँ से देखते हैं हम, दूसरे स्टूडेंट ने 42% अंक प्राप्त किए, 42% ऑफ एक्स जो आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है, 45 ज़्यादा है, तो ज़्यादा हो रहे हैं तो माइनस कर देते हैं, 42% ऑफ एक्स माइनस 45, अब आप क्या करते हैं, एक्स एक्स आपने एक साइड कर लिया, नॉर्मल नंबर एक साइड कर लिया, ये माइनस का 45 है, इसको उधर ले जाओगे 45 के साथ तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 45 प्लस 45 राइट ईयर यहाँ पर हमने लिख लिया इज इक्वल टू 42% ऑफ एक्स, और ये आपका एक्स का 30% है, इसको इधर ले आए, ये इधर आकर माइनस हो गया, आप चाहे तो इसको भी उधर ले जाते हैं, आंसर वही आएगा, तो 42 माइनस 30 12x अपॉन 100, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 90, देन वी टेक क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो 100 इंटू 90 इक्वल 12x इंटू 1, 100 इंटू 90 इक्वल 12x, देन x इक्वल 100 इंटू 90 अपॉन, ये 12 आ गया आपका डिनोमिनेटर में, कैंसिल किया हमने, 2 से किया, 4 से किया, 4 टू जा 8, 2 बचा है, 4 5 जा 20, देन 4 3 जा 12, तो आपका आ गया 25, 3 जा 75, 0 का 0, x इक्वल 750, दैट इज अवर आंसर, क्लियर, देखो फर्स्ट आपका था, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए
आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है। पूर्णांक और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करने थे, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, एक पूर्णांक और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, जितने हमें न्यूनतम अंक चाहिए थे वो निकालने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, 45 अंकों से फेल हो रहे हैं, तो 45 इधर ऐड कर दिया। x इंटू 30% प्लस 45 इज इक्वल टू, दूसरे स्टूडेंट ने एन अनदर स्टूडेंट्स गोट 42% मार्क्स और आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है, तो आपने क्या किया, 42% ऑफ x माइनस 45, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है तो माइनस कर दिया। फिर क्या किया आपने, इसको x का 30% प्लस 45 इक्वल 42% ऑफ x माइनस 45, नॉर्मल नंबर एक साइड, x x एक साइड, ये 45 है आपका, 45 को आप 45 के पास ले गए, इधर माइनस है, इधर जाकर आपका प्लस हो जाएगा, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 42% ऑफ x माइनस 30% ऑफ x, डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो, 42 माइनस 30 कितना आएगा, 12x अपॉन 100 आ गया, और 45 प्लस 45 आपका ऐड होकर कितना आ गया, 90। तब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इक्वल 90 इंटू 100 अपॉन 12, उसको कैंसिल करने के बाद हमारा मैक्सिमम मार्क्स आया 750। सेकेंड थिंग्स हमें और फाइंड करनी है यहाँ पर, न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक यानी कि वो रिक्वायर्ड मार्क्स जो उसको पास होने के लिए रिक्वायर्ड थे। तो क्या करते हैं, देखिए सेकेंड थिंग्स, सेकेंड न्यूनतम अंक्स, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास जो उसको चाहिए थे। तो देखिए यहाँ पर हमारा MM कितना आ गया, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक आ गया आपका 750, अभी हमने निकाला है इसको। इसके बाद छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने, 750, 30% अंक प्राप्त किए थे, तो 750 का 30% निकाल के कितने अंकों से, 45 अंक अगर उसमें ऐड कर देंगे तो इसका मतलब हमारे मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। तो आपने क्या किया, 750 इंटू 30 अपॉन 100, इसका 30% निकाला और प्लस कर दिया कितना, 45, 0 कट बाय 0, 0 कट बाय 0, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1 22 प्लस 45, 5 5 10, 2 4 6 1 7 2, 270 मार्क्स वाज मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर्ड, ठीक है, कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशंस के लिए हमारे कितने मार्क्स थे, 270, क्लियर। कैसे निकाला एक बार फिर से देख लीजिए, पूर्णांक और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम है, वी हैव टू फाइंड, हमें निकालने हैं, तो पूर्णांक हमारा 750 आ गया था ऑलरेडी, मैक्सिमम मार्क्स, इसके बाद न्यूनतम अंक उसने 30% प्राप्त किए थे, ठीक है, 30% किससे प्राप्त किए थे, पूर्णांक से ही तो प्राप्त किए होंगे, ठीक, तो 750 का 30% मार्क्स हमने निकाल दिया, और प्लस जितने से फेल होता है, कितने से फेल हुआ था, 45 से फेल हुआ था, जितने से फेल हो रहा है वो ऐड करेंगे, 45 आपने ऐड कर दिया, यानी 30% उसने गोट कर लिया टोटल मार्क्स का। सपोज मेरा 6 सब्जेक्ट है और 600 है टोटल, तो ये टोटल MM मार्क्स कितने हो गए, 600, 600 में से 300 मैंने गोट कर लिए और 9 मार्क्स कहीं पर मेरे कम हो रहे हैं, तो 9 मार्क्स इसमें ऐड कर देते हैं तो पास हो जाएंगे, तो 9 मार्क्स वी हैव ऐड हियर, तो 9 मार्क्स हमने ऐड कर दिए, यहाँ पर 45 मार्क्स था तो 45 ऐड कर दिया, क्लियर। 750 का 30% आपने फाइंड किया, 225 प्लस 45 आंसर इज 270, डन, क्लियर। भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड विथ फ्रैक्शन, भिन्न से संबंधित क्वेश्चंस, भिन्न का मतलब क्या है, भिन्न से संबंधित, भिन्न से संबंधित क्वेश्चंस में ये होगा आपका, भिन्न क्या है हमारा, पी अपॉन क्यू का फॉर्म 1/2 है, 3/4 है, विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो अंश और हर के रूप में होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस और भिन्न, उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इसमें यह आपका अंश होता है ऊपर और नीचे वाला हर, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, यह आपका अंश हो गया, ये हर हो गया। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में
10% वृद्धि करने पर तथा हर में 12% कमी करने पर ₹15/64 प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्लियर। एक भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर और हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। इन फ्रैक्शंस न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 10%, न्यूमरेटर को हमने ऐड किया 10% एंड डिक्रीज डिनोमिनेटर बाय 12%, डिक्रीज किया हमने डिनोमिनेटर 12% एंड गोट 15/16 फॉर 15/64 प्राप्त होता है। देन फाइंड द फ्रैक्शंस, भिन्न हमें ज्ञात करने। क्या करते हैं देखो, इसमें 100 मेजरमेंट लेके करेंगे। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स आपका आएगा, 10% की वृद्धि, 15% की कमी या कितना भी नंबर दिया होगा, आप इसमें 100 एक स्केल लेके करती है। 100 को स्केल के स्टेप से लेंगे, 10% की वृद्धि हो रही है तो सबसे पहले हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न को हम मान लेते हैं। मान लिया, माना भिन्न, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। मान लिया, माना भिन्न आपका एक्स अपॉन वाई। सबसे पहले आपने भिन्न मान लिया कितना, एक्स अपॉन वाई, क्योंकि हमें भिन्न निकालना था अंश और हर के रूप में। तो आपने मान लिया, माना भिन्न एक्स अपॉन वाई। इसके बाद भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर रहे हैं, तो आप 100 स्केल मान के करते हो। 10% वृद्धि कर रहे हैं तो 100 और 10 110, तो 10% वृद्धि करने पर किसमें कर रहे हैं वृद्धि, अंश में 10% की वृद्धि कर रहे हैं और हर में 12% की कमी कर रहे हैं। तो आपका हर में, तो नीचे आपका इन्होंने वाई में किया 12% का कमी और अंश में किया 10% का वृद्धि। तो एक्स इंटू, आपको बताया कि 100 का मेजरमेंट मान के करेंगे, तो 100 में 10% ऐड किया, 10 ऐड किया तो 100 और 10 110, तो 100 एक्स इंटू 110 अपॉन, हर में 12% की कमी कर रहे हैं तो वाई इंटू 100 माइनस 12 करेंगे कितना बचेगा, 88। 100 माइनस 12 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8। क्लियर, कितना है आपका 88y इज इक्वल टू, इन्होंने बोला अंश में 10% वृद्धि करने पर, हर में 12% कमी करने पर कितना प्राप्त होता है, 15/64 प्राप्त होता है। इक्वल आपने रख दिया 15/64, 15/64। देन हमें फाइंड करना है भिन्न, फ्रैक्शंस हमें फाइंड करना है, मींस एक्स अपॉन वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स अपॉन वाई को आप यहीं पर रख लो, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले को नीचे, 15/64 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर किया, 88 अपॉन 110 इज हेयर। नाउ कैंसिल, किससे कैंसिल करते हैं इसको, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9, 2 बचे, नहीं हुआ सॉरी, इससे कैंसिल करेंगे आप किससे, 5 से, 5 2 जा 10, एक बच रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 24, 4 जा 88, 4 से 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24, एक्स अपॉन वाई कितना आया, 3 अपॉन 16। देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 अपॉन 16, दैट इज अवर आंसर। हमारा भिन्न कितना आ गया, 3/16। क्लियर, फिर से देख लेंगे एक बार। एक भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर, हर में 12% की कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है, न्यूमरेटर इज एट ऑन 10% और वृद्धि तथा हर में डिक्रीज कर रहे हैं 12%, 12% इन्होंने डिक्रीज कर दिया। देन वी गोट 15/64, फाइंड द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हमें फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 100 स्केल मान के करते हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो x इंटू 110 अपॉन, इसमें 12% की कमी कर रहे थे तो 100 माइनस 12 किया आपने, 88 हो गया, 88 इंटू y इज इक्वल टू 15/64 गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके। तो आपने क्या किया, x इंटू 110 अपॉन 88 इंटू वाई इज इक्वल टू 15/64। देन भिन्न ज्ञात करनी थी, x अपॉन y का वैल्यू ज्ञात करना है, तो आपने 88 को ऊपर भेजा, 110 को नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x अपॉन y इक्वल 15/64 इंटू 88 अपॉन 110। फिर हमने इसको कैंसिल किया, x अपॉन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 16।
यानी फ्रैक्शन हमारा भिन्न कितना आ गया, 3/60, दैट इज अवर आंसर। क्लियर?